पूरा देश आपको सुनना चाहता है, आपके अनुभवों को जानना चाहता है, खास करके शहर के लोग जिनके लिए ये दिन जरा और कठिन लग रहे हैं। गांव वालों ने रास्ता दिखाया है कि इस कठिनाइयों में भी कैसे उमंग और उत्साह के साथ जिया जाता है। आइए हम चर्चा का सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे बताया गया है कि हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर चलना है। भाई मोहम्मद इकबाल जम्मू कश्मीर के बारामूला से जुड़े रहे हैं। ये ब्लॉक पंचायत नारवाओ के चेयरमैन है। इकबाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पहले जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट बारामूला और ब्लॉक नारवाओ से आपको बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और आज इस अवसर पे जो हमारा पंचायत दिवस है इस पे मुबारकबाद देता हूं सर। सर हमारा यहाँ पे जो इस वक्त नारवाओ में इस बार जो हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, जो आपने ऊपर से आदेश दिया है, डायरेक्शंस दी है लॉकडाउन की, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे 100% हो रही है। उसके लिए हमने तैयारियां पहले से कर रखी थी। जब आपने पहला एक दिन का लॉकडाउन किया था तो उस दिन हमने ब्लॉक ले जो हमारा ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर है, हमारा ICDS है और पंचायत से एक हमने एक ऑर्डर निकाल दिया BDC ऑफिस से, तो हमने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में हमने तीनों डिपार्टमेंट्स को आशा वर्कर्स, ICDS वर्कर्स और पंचायत PRIs मेंबर्स है उनकी ट्रेनिंग दिला दी। उनको हमने जो हमारा कोरोना वायरस को रिलेटेड जो हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स उनके लिए बारे में उनको इन्फॉर्म किया। उसके बाद हमने उनको घर घर अपने ब्लॉक में भेजा और मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं कि हमारे ब्लॉक में वो कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें हमारी टीम, जिसमें हमारे PRI, जिसमें हमारे मेडिकल और ICDS के वर्कर्स नहीं गए और हर एक फर्द को, हर एक इंडिविजुअल को अवेयर किया कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। हमारे एक ब्लॉक में आज तक सिर्फ एक पॉजिटिव केस आया, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी वहां पे पंचायत एस्टैब्लिश नहीं हुई है। रीजन ये था कि हमारे वहां पे पंचायत मेंबर्स नहीं थे और वो केस हम ट्रेस आउट नहीं कर पाए। लेकिन जितने भी बाकी गांव हैं, जितने भी बाकी ब्लॉक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से, हमने हर एक फर्द को, हर एक इंसान को ट्रेवल हिस्ट्री जिसकी थी उसको आइडेंटिफाई किया, उनको क्वारंटाइन किया, उनको होम क्वारंटाइन किया और PRIs को वहां पे ड्यूटी लगा दी। 24/7 वहां पे ड्यूटी लगाई कि ताकि उनका जो होम क्वारंटाइन है वो सक्सेसफुल हो जाए। हमारे ऊपर से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन कैटेगरी के लिए थी कि आपको चाहे किसी हद तक सख्ती करनी पड़े, लेकिन क्वारंटाइन जो लॉकडाउन है उसको ग्राउंड पे सक्सेसफुल करना है। हमारे पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन उन्होंने दी थी कि आपको ये एक्चुअली इन रियल सेंस जो लॉकडाउन सक्सेसफुल करना है वो PRIs को करना है। तो उन्होंने रोस्टर बना के वॉलेंटियर्स के साथ रोड पे रह के लॉकडाउन को सक्सेसफुल किया। दो संदेश दिए लोगों को, दो नारे दिए, रेस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल पहला नारा था। दूसरा हमारा नारा ये था कि सर स्टे होम स्टे सेफ, और जब लोग इन दो नहरों पे चले आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्लॉक में 99% सिचुएशन अंडर कंट्रोल है सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बातें बताई है, लगता है कि आप खुद फील्ड में डटे रहते हो, खुद गांव गांव जाते हो, उसी का नतीजा है कि आप इतनी बड़ी आसानी से चीज को समझ पाए हो और आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो, नियमों का पालन हो, बहुत बढ़िया ढंग से किया है। मुझे विश्वास है कि दो गज की दूरी इस मंत्र को आप गांव गांव घर घर और पूरे जम्मू कश्मीर को भी आपसे सीखना चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत उत्तम काम किया है और आपके ब्लॉक के सभी नागरिकों को भी मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रमजान का महीना है तो आपने जो मेहनत की है उसके कारण रमजान का उत्सव भी त्योहार बहुत अच्छे ढंग से नागरिक मना पाएंगे, तो आपने सचमुच में बहुत बड़ी सेवा की है।